आप भी किसी को वीडियोस भेज रहे हो और वो वीडियोस सेंड होने के बाद से पूरा ब्लैक हो जा रहा है, अपलोड होने में बहुत टाइम लग रहा है लेकिन अपलोड होने के बाद से वो वीडियो ब्लैक हो जा रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है ये आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप बहुत टाइम से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे तो आखिरकार आपको हमारी वीडियोस मिल ही गई। एक्चुअली ये जो ब्लैक वीडियो शेयरिंग प्रॉब्लम है ना, वो बहुत सारे लोग इसको फेस कर रहे हैं बट सॉल्यूशन किसी को नहीं पता, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। एक्चुअली मैंने ये सोचा ना कि इस प्रॉब्लम को मैंने भी फेस किया, मैं भी वीडियोस एकदम सही से देख रही थी और जब मैं किसी और को सेंड कर रही थी तो वो वीडियो पूरा ब्लैक हो जा रहा था, तब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला मैंने और सोचा कि आप सबसे भी शेयर किया जाए क्योंकि हो सकता है कि आप सब इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कहीं व्हाट्सएप का अपडेट तो नहीं आया है। अगर आपने व्हाट्सएप को अपडेट नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से व्हाट्सएप को अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद से फिर से आप वीडियो शेयर करके देखिए, अगर वीडियो ब्लैक नहीं होता है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन अपडेट करने के बाद से भी आप जो वीडियो शेयर कर रहे हो वो पूरा ब्लैक हो जा रहा है, तो सिंपल है, आपको WhatsApp के आइकन पर क्लिक करना है, क्लिक करके होल्ड किए रहें, उसके बाद से आपको उसके अंदर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग के ऑप्शन के अंदर जाने के बाद से आपको क्लियर कैशे का ऑप्शन मिलेगा, आपको वहां से सारा कैशे क्लियर कर देना है। ध्यान रहे क्लियर कैशे करना है, क्लियर डेटा नहीं। एंड देन उसके बाद से आपको अपने फोन को रीस्टार्ट करना है या फिर स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लीजिए। उसके बाद फिर आप वीडियो शेयर करके देखिए, अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आप जो वीडियो शेयर कर रहे हैं वो ब्लैक हो रहा है, तो अब जो सोल्यूशन हम आपको बताएंगे इससे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी एकदम 100%। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप बीटा ज्वाइन करना होगा। अगर आप ऑलरेडी व्हाट्सएप बीटा यूज करते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो व्हाट्सएप बीटा को ज्वाइन करना बहुत ईजी है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, व्हाट्सएप बीटा पे ज्वाइन हो जाओगे। लेकिन आप जब वहां पे ज्वाइन हो गए तो आपको वहां पे प्रोग्राम फुल बताएगा, लेकिन एक तरीका है जिससे आप व्हाट्सएप बीटा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल क्रोम की हेल्प लेनी होगी। आपके सामने एक पेज दिख रहा होगा, इस पेज पर जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बिकम बीटा या फिर बीटा ज्वाइन, अलग अलग तरीके के नाम हो सकते हैं। तो सिंपल है, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लेना है। और अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आपको ये पेज कहाँ से मिलेगा, तो परेशान ना होइए, इस पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस लिंक पर जाकर आप WhatsApp बीटा ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपने WhatsApp बीटा को कैसे अपडेट करेंगे, तो आपको इसी पेज पे अपडेट या फिर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल आप उस पे क्लिक करके WhatsApp बीटा को अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद से आप फिर से अपने मोबाइल को रीस्टार्ट या फिर स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लें। उसके बाद आप जिसको भी वीडियो शेयर करेंगे तो वो वीडियो ब्लैक नहीं होगा एंड आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे हो चुकी है सॉल्व। और जाते जाते एक और छोटी सी टिप्स आपको ये दूंगी कि जब आप किसी को व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर करते हैं तो शेयर करते समय आपको ऊपर HD का ऑप्शन दिख रहा होगा। HD पर अगर आप क्लिक करके वीडियो शेयर करेंगे तो आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो हायर क्वालिटी हो जाएगी, यानी कि वीडियो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में जाएगी। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा अपने WhatsApp ग्रुप में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।